अच्छा तो दोस्तों जैसा कि इनका कहना यह है कि ये जो बकरा है किस नस्ल का आपने बताया था? बरबरा नस्ल का दोस्तों ये बकरा है और इनका कहना ये कि ये सरकार की तरफ से ये प्रमाणित है। दोस्तों ये अपने बकरों का बेहतरीन से बेहतरीन उम्दा तरीके का ये इनको पोषण देते हैं ताकि ये स्वस्थ रहे। जब भी आप क्रॉस करने के लिए आए यहाँ पर तो आपको जो है जो क्रॉस से जो गर्भ में जो बच्चा मिले बकरियों का वो स्वस्थ पैदा हो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डिजिटल इन्फो मीडिया में। आज मैं आया हूँ चंदौली जिला के कठौरी गाँव में। यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि मैं आपको बहुत ही एक ख़ास ऐसी जगह से आपको मैं रूबरू कराना चाहता हूँ। अगर आप बकरी पालन करते हैं या फिर आपके पास एक बकरी हो या दो बकरी हो या बकरियों का पालन करते हैं, और अक्सर ये होता है हमारे भाइयों के साथ कि वो क्रॉस कराने के लिए वो जगह ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पर अच्छे नस्ल का हमारा क्रॉस होगा हमारी बकरियों का। तो मैं आपको ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ पर आपको खोजने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको हर नस्ल की बकरियों का क्रॉस करने के लिए आपको यहाँ पर उसका जोड़ा मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अभी इस फार्म में। इनका ये फार्म है, हमारे शौकत भाई हैं, शौकत भाई का फार्म है। और किस किस टाइप का ये रखे हैं नस्ल बकरों का, आइए हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि किस किस टाइप का नस्ल का ये बकरा रखे हुए हैं और यहाँ पर आने के लिए आपको कैसे आ सकते हैं। या अगर आप इस क्षेत्र में नए आए हुए हैं या फिर नया आप लोकेशन सर्च कर रहे हैं या फिर आपको जगह नहीं पता है, तो सारी चीज़ें ये आपको हमारे शौकत भाई बताएंगे। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये हमारे बकरियों को क्रॉस करवाते हैं और इनके पास किस किस नस्ल की बकरे हैं। तो चलिए आइए चलते हैं इनके फार्म की तरफ। हमारे शौकत भाई का ये फॉर्म, और यहाँ पर जिस भी टाइप का आप बकरा खोजना चाहेंगे क्रॉस कराने के लिए आप अपने बकरियों का यहाँ पर क्रॉस करा सकते हैं। तो चलिए यहाँ के मेन मालिक हमारे शौकत भाई से ही बात करते हैं कि किस तरह का वो नस्ल रखते हैं यहाँ पर, कौन कौन से नस्ल हैं, और सारा फॉर्म आपको ये दिखाएंगे कि किस किस तरह का ये बकरा रखे हुए हैं। आइए हम शौकत भाई से बात करते हैं। तो शौकत भाई, हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले आप बताइए कि आपका जो ये एड्रेस है वो, अगर कोई हमारा व्यूवर्स अगर यहाँ आना चाह रहा है क्रॉस कराने के लिए अपने बकरियों का, तो एड्रेस सबसे पहले बताइए कि वो कैसे यहाँ आ सकता है। सबसे पहले हमारे फार्म सभी दर्शकों का स्वागत है, अस्सलाम वालेकुम। और हमारा एड्रेस है ग्राम कठौड़ी, जिला चंदौली, और पूरा एड्रेस यहाँ पे है नई मस्जिद आदा में पानी टंकी के पास, ग्राम कठौड़ी, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश। हमारा मोबाइल नंबर है 70 80 62 10 50। एक नंबर और है 97 94 51 74 37। यहाँ आने का एड्रेस है, कभी भी कॉल कर सकते हैं किसी भी बीमारी के लिए भी। तो दोस्तों इनका डिटेल, कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस वगैरह मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार इन्होंने अपने खुद से ही बता दिया कि क्या इनका एड्रेस है। तो स्वागत है, ये बताइए कि आपके पास किस किस नस्ल के आप बकरे रखते हैं? हमारे यहाँ ब्रीडर सिरोही मिल जाएगा आपको, गुजरी मिल जाएगा, मेवाती मिल जाएगा, और एक हमारे पास दो नस्ल की बरबरे भी है। एक नंबर ओरिजिनल बरबरा है और एक क्रॉस बरबरा है जो 90% की है, और हमारे पास छोटे बरबरे बकरियां भी हैं। ठीक है, तो हमारे व्यूवर्स को आप दिखाना चाहेंगे कि किस किस नस्ल की बकरियां, थोड़ा हमारे व्यूवर्स देख ले कि बकरे किस टाइप के दिखते हैं आपके पास, जरा हमको दिखा दीजिए। आप भाई, हम सिरोही का ब्रीडर, आप दोस्तों सिरोही का बकरा, ये हमारे शौकत भाई अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ का किंग कोबरा सिरोही बकरा है, ब्रीडर, आप देख सकते हैं इसको, बहुत गर्म मिजाज का बकरा ये है, ये सिरोही है, पूरा 8-10 फ्रेश में है पूरा, अब इसको देख सकते हैं, ये एक नंबर क्वालिटी में एक बरबरा है। ये हमारा सरकारी बरबरा है, इसका मुहर लगा हुआ है पूरा सीआरजी का, आप देख सकते हैं यहाँ पे का लोगो मिस्त्री लगा हुआ भी लगता है, सरकारी सरकारी लगता है। इससे क्या फायदा होता है? पता है कि हमारे सरकारी तरफ से अलाउड हुआ है। अच्छा, तो दोस्तों जैसा कि इनका कहना ये है कि ये जो बकरा है किस नस्ल का आपने बताया था? बरबरा नस्ल का दोस्तों ये बकरा है, और इनका कहना ये है कि ये सरकार की तरफ से ये प्रमाणित है
प्रमाणित होने का मतलब क्या है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दें। प्रमाणित है कि मतलब स्पेस साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, ओरिजिनल बर्बरा है, इसका सीमन बहुत उच्च क्वालिटी का है। दोस्तों इनका कहने का मतलब यही है कि ये सरकार द्वारा ये प्रमाणित है और इस बकरे के नस्ल से अगर आप क्रॉस करवाते हैं तो 100% मतलब 99.9% भी नहीं 100% आपका जो है कि गर्भ ठहरेगा बकरियों में। तो इनका कहने का मतलब ये था। तो और भी कोई नस्ल की बकरियां हैं और बकरे हैं जो आप दिखाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? ये लगभग 14 महीने का बकरा है, अभी 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ इसका। तो 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ लेकिन बकरा तो काफी तगड़ा दिख रहा है। तगड़ा है तो इसका ये मतलब कहने का मतलब यही है कि इसका जो साइज होता है ये ऐसा ही होता है या फिर खाने पीने की वजह से? खाने पीने की होता है, आप डाइट बेहतरीन देंगे तो अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। तो दोस्तों ये अपने बकरों का बेहतरीन से बेहतरीन उम्दा तरीके का ये इनको पोषण देते हैं ताकि ये स्वस्थ रहें। जब भी आप क्रॉस करने के लिए आए यहाँ पर तो आपको जो है जो क्रॉस से जो गर्भ में जो बच्चा मिले बकरियों का वो स्वस्थ पैदा हो। तो लोगों को एक सुविधा और दी गई यहाँ पे, अगर एक बार बकरी क्रॉस होती यहाँ पे अगर 90 दिन के अंदर अगर रिपीट आती है तो बिल्कुल फ्री यहाँ पे रिपीटर का पैसा नहीं लिया जाता। तो ये बिल्कुल बहुत ही आपके लिए सहूलियत है, बहुत ही अच्छा बात इन्होंने बताया है, काफी ईमानदारी वाली ये बात है कि अगर 90 दिन के अंदर में अगर क्रॉस गर्भ नहीं रुकती गर्भ नहीं लाएंगे तो बकरा फ्री छूट जाएगा फिर। तो फिर बकरा जो है कि दोबारा से क्रॉस होगा इसका और इसका कोई अलग से चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो अभी हमारे सामने आप देख रहे हैं ये एक नस्ल की क्रॉसिंग यहाँ पर हो रही है। तो ये किस नस्ल का है? ये बर्बरा है। और ये बकरी किस नस्ल की है? बकरी ये देसी क्रॉस है और ये बर्बरा भी 80% ही है, इसमें यहाँ पे गलत बात कोई नहीं बताई जाएगी आपको। तो दोस्तों ये देखिए ये देसी नस्ल की बकरी है और आप इसका साइज देख रहे होंगे, साइज छोटा है लेकिन ये जो नस्ल जिस नस्ल से ये क्रॉस हो रहा है तो इसका जो बच्चा फिर ठहरेगा ये बाकी बहुत ही अच्छा ठहरेगा, तंदुरुस्त ठहरेगा, बड़ा ठहरेगा। तो साइज का कोई मसला नहीं है, किसी भी साइज की बकरियां हो आप यहां पर आकर के किसी से भी साइज का आप बकरियों का क्रॉस करवा सकते हैं। ये हमारा गुजरी ब्रीडर है, ये लगभग 17 महीने का। क्या नस्ल बताया था आपने? गुजरी नस्ल। ये दोस्तों गुजरी नस्ल है, ये भी बहुत गर्म मिजाज का बकरा है पूरा। ये किसी ने भी खाना बहुत थोड़ा ही खाया, ज्यादा नहीं खाया सबने। तो दोस्तों देख रहे हैं आप ये किस नस्ल का आपने बताया? गुजरी नस्ल का ये बकरा। ये कहाँ पाया जाता है? ये राजस्थान। ये राजस्थान में पाया जाता है। आप इसका साइज देख सकते हैं, इस बकरे से भी आप यहाँ पर आकर के क्रॉस करवा सकते हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को और कुछ बताना चाहेंगे जैसे कुछ बेनिफिट्स की यहाँ आने से उनको क्या फायदा होगा? और यहाँ पे नस्ल सुधार के लिए काम किया जा रहा है। बकरिया अगर देसी है ये ब्रीड लगाएंगे तो तीसरी बार में ये नस्ल सुधार कर देगा, वो इसका फायदा ही है। इसलिए एक ही बकरी रखें लेकिन नस्लदार रखें और ब्रीड पे ही काम करें। अब आपके फार्म अगर बकरी 20% अगर 50% ही अगर बकरा ब्रीडर एक नंबर पे है तो 80% तक बच्चा अच्छा ही आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया, इनका फार्म भी देख लिया, बकरियों का नस्ल भी देख लिया, तो अगर जब कभी भी आपको आना हो, अगर आप चंदौली डिस्ट्रिक्ट के आप आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपको खोजने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सीधा सा एड्रेस है इनका, कठोरी जिला गांव पड़ता है इनका और ये चंदौली जिला में है और यहाँ का पोस्ट है लोहदा पोस्ट है। और बाकी सब तो डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इनका जो है कि कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस मिल जाएगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट करके डायरेक्ट इनसे बात करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम इसी तरह से नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हम अपने माध्यम से देते रहें। हमारा चैनल का उद्देश्य यही है कि हम जो है लर्निंग अवेयरनेस और एजुकेशन के बेसिस पर वीडियो बनाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिन भाइयों को ये नहीं पता हो तो उनको भी ये वीडियो शेयर करके उनको भी यहाँ शेयर करने के बाद उनको ये बताइए कि यहाँ पर इस तरह का फार्मिंग में इनका ये काम होता है। तो वीडियो देखने के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे संपर्क भाई के बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत सहयोग किया हमारा आकर के यहाँ पर बकरों के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद।